कोरबा के करतला थाना इलाके में पति ने अपनी पत्नी, बेटे और बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से मां, बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जिसके बाद कोरबा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दो शादियां कर रखी हैं, जिसकी वजह से उसकी पहली पत्नी से अक्सर उसका विवाद होता रहता था। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 5 वर्ष से हमारे पिताजी शरददास कोटवार, जो रामपुर कोटवार है, वो हमारे पारिवारिक तीनों माँ बाप ला, तीनों बहन बोला हमारे माँ ला मानसिक रूप से प्रताड़ित करे थे, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करे थे, और वो दूसरा शादी करके दूसरे जगह रहते, एक वजह से हमन भरण पोषण के केस लगा रहे हैं 2021 में। 2021 के केस अभी कुटुम्ब न्यायालय आदेश करीस के हमला भरण पोषण की राशि दिए जाए, ओकर वजह से वहाँ हमला मारपीट करी से अभी। और मार कटला थाना में 6 जनवरी का 2 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कोटवार के द्वारा अपनी पत्नी को और बच्चों को मारने का प्रयास किया गया है। 307 का धारा लगाकर उसको सूचित कार्रवाई कर उसको जेल दाखिल किया गया है। वो शराब के नशे में था, उनका कोर्ट में भी विवाद चल रहा था, जिसके कारण आवेश में आके उसने ये कचरा बन जाया है।